अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। अच्छा, फ्रूट चाट अभी मैंने ना फ्रूट धो के रखा था, और ये मैंने इसका दही का मसाला वगैरह सारा कुछ तैयार करके ये भी रखा था। तो मुझे ना बहन की कॉल आ गई, राफे की बर्थडे आ रही है ना, तो उन्होंने प्री बर्थडे का प्लान किया है। तो शाम का टाइम में नींद भी इतनी आती क्योंकि मौसम ज़रा चेंज हो रहा है, दिल कर रहा है कि सो जाऊँ। अब ये फ्रूट चाट बना के जल्दी से खा के तो फिर मैं उधर जाऊंगी बहन की तरफ, उधर निकलना है मुझे। तो इंशाल्लाह राफे की बर्थडे जो है वो मैं करूंगी अपने घर में, लेकिन आज जो है वो मेरी बहन ने प्लान की है। तो जाते हैं उधर, देखते हैं। अभी कपड़े वगैरह निकालती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर जाती हूँ उधर। बस जल्दी से मैंने जो है फ्रूट चाट बनाई और जल्दी से ही खाई है, क्योंकि लेट हो रही है हम लोग। तकरीबन मेरे ख्याल 5:30 का टाइम हो गए, राइड करवा दी है। अभी राइड वाला बोल रहे कितने मिनट में आ रहे हैं? 5 मिनट तक वो उसको आ जाएगा तकरीबन। मैं राफे के कपड़े रखे हैं मैंने, एक तो पहन के जा रहे हैं, एक मिनट का चलो उस टाइम पहन लेगा। और बंटी अपने कपड़े हम लोग पहन के ही जा रहे हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं, हाँ केक काटेंगे, बाकी देख लेंगे जो भी होगा। बस जल्दी से उधर पहुँच चुकी हूँ क्योंकि मैंने रात को जल्दी ही आने वापस और घर ही आऊँगी अपने। और आगे शादी आ रही है, वो अटेंड करनी है, उसकी थोड़ी तैयारी करनी है, वो कपड़े अभी निकालने हैं मुझे। तो देखती हूँ अब जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर शिफ्ट करने है, उसके बाद मैं राफे की बर्थडे का करूँगी। पहले घर शिफ्ट कर लूँगी, घर हम लोग देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग दुआ करना कि मुझे घर अच्छा मिल जाए जहाँ पानी और गैस का मसला ना हो। इस्लामाबाद में पानी का इतना इशू है ना, मुझे लग रहा है कि तकरीबन जो नए सेक्टर बन रहे हैं ना उस जगह हर जगह पर पानी का बहुत इशू है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है वो गैस का प्रॉब्लम है। तो अब जो भी घर देखूंगी गैस वाला देखूंगी ताकि गैस आती हो। आगे सर्दियाँ आ रही हैं और गैस के बगैर गुजारा नहीं बिल्कुल भी। बस अभी मैं निकलने लगी हूँ, फिर वहाँ जाके मिलती हूँ आप लोगों से, आप देखिए मुलाकात करती है, ठीक है? बस मैं आ गई हूँ इधर, थोड़ी देर हुई और मेरे आने से पहले इन लोगों ने ना कुछ डेकोरेशन भी कर ली हुई थी। बैलून्स बुला रहे हैं सारे जो हैं बैठ के। अच्छा, केक भी आ गया, केक राफे की पसंद का था। अच्छा, बैलून जो है ना, इतने बैलून थे ना, उतने लगे नहीं जितने फटे हैं। केक बहुत मज़े का था। बस अभी केक काटने लगे हैं तो हसन भी साथ ही है, दोनों मिलके काटेंगे। नहीं भाई, 100 रुपए की हेल्प कर दे। ऑर्डर किए, अभी दिल्ली में गए हैं। क्या खाने लगे हम लोग? पराठा रोल। पराठा रोल, ठीक है। हाँ, पराठा रोल खाएंगे। राफे, तुम मेरा अपना हाथ नहीं छुड़ाओगे? बस जो ऑर्डर किया था वो आ गया, फ्राइज मंगवाए थे और पराठा रोल था, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो साथ समोसा चाट भी है। समोसा चाट है वो बहन को बहुत पसंद है, बड़े मज़े की होती है F6 में ना। और फ्राइज़ भी इसकी इनकी बहुत मज़े की थी, कोई चाट मसाला उन्होंने ऊपर डाला हुआ था, मज़े की लग रही थी, क्रिस्पी भी बहुत थी। सारे बैठे इंजॉय कर रहे हैं इर्द गिर्द हैं सारे। अपना ऑर्डर ख़ुद करना पड़ता है और लाना भी खुद ही कर पड़ता है। पराठा रोल मज़े का है क्योंकि ये लोग चिकन टिक्का टाइप का पराठा रोल बनाते हैं जो कि मज़े का होता है। मायोनीज नहीं होती इसमें, कोई सॉस भी नहीं होती, लेकिन मज़े का होता है। सैलेड वगैरह होता है बीच में। बस जल्दी से खा के निकलेंगे अभी यहाँ से। बाहर आ जाओ तो बच्चे वापस जाने की करते ही नहीं है कि वापस घर चले जाएं। राफे को पराठा रोल इतना पसंद है, घर में भी चिकन टिक्का बनता है ना, इसका यही होता है कि मम्मी पराठा रोल। अभी भी देखेगा अभी कोई भी पिक पराठा रोल खा रहा है तो फौरन बोलते हैं मम्मी पराठा रोल खाना है। माशाल्लाह ये खा लेते एक पराठा रोल ना।
बस अभी हम लोग निकल आए हैं और मैं जा रही हूँ अपने घर वापस, क्योंकि मुझे इधर आज रुकना नहीं था। मैं सोचती हूँ कि घर ही चलती हूँ, घर में कुछ काम है मुझे, शादी के कपड़े मैंने निकालने हैं। और मैं लूँगी इजाज़त मेरी तरफ से आप सब लोगों को, अल्लाह हाफिज़।